देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में आज बीजेपी के नकुड़ से विधायक और आयुष मंत्री डॉक्टर धर्मसिंह सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए जल्द से जल्द सहारनपुर में नई योजनाएं लाई जा रही है, जिसके विषय में आज आयुष मंत्री डॉक्टर धर्मसिंह सैनी ने जानकारी दी। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने देश में इसे अलग विभाग का दर्जा दिया और अलग विभाग बनाया, उसका अलग मंत्री बनाया। 2017 में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनी, उन्होंने भी अलग विभाग बना करके उत्तर प्रदेश में मुझे इसका विशेष जिम्मेदारी दी गई। मैंने बहुत प्रयास किया, शुरुआत में बड़ी परेशानी आई, डॉक्टर्स कम थे, अभी भी कमी है, लेकिन हम शीघ्र ही उन्हें पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश में एक तो आयुष यूनिवर्सिटी शीघ्र ही यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती थी, ना होम्योपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में। हमने दवाइयों के लिए खरीद पूरी कर अब सप्लाई होनी शुरू कर दी गई है। हमने आयुष आपके द्वारा 1 अप्रैल से एक नई व्यवस्था लागू की है, आयुष आपके द्वारा उन गरीब मलिन बस्तियों में हमारे होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर जाकर के कैंप लगाएंगे, उन गरीब लोगों को वहीं उन्हीं के मोहल्ले में ही उनका स्वास्थ्य निरीक्षण कर और उन्हें दवाइयाँ वितरित करेंगे, यानी कि उन्हें घर जाकर के आयुष आपके द्वारा उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने का काम करेंगे। ये हमारा विभाग करने जा रहा है, 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है। हमने पार्कों में मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बाग जाते हैं सुबह ही, उसके लिए भी जो मुख्य मुख्य पार्क हैं हर शहर में, बड़े मुख्य पार्क, उनमें से लगभग हमने हर जिले में 3-3 पार्क लिए हैं, और जिसमें एक में हमारा सुबह 6 बजे डॉक्टर होम्योपैथिक का जाकर के बैठेगा, इंस्ट्रूमेंट्स, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के, और वहाँ कहीं किसी को भी किसी तरह की अगर पीड़ित है किसी भी बीमारी से तो उसका चेकअप कर उसे दवाई वहीं लिखेगा, अपनी डिस्पेंसरी से उन्हें दवाई उपलब्ध कराने का काम करेगा। कि हम जो है हर आखिरी खड़े व्यक्ति तक जो किराया भी वहन करने के लिए सक्षम नहीं है उसे हम निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ आयुष के द्वारा हम देने का काम करें। इसलिए हम आयुष आपके द्वार के माध्यम से हम जन जन तक गरीब अंतिम व्यक्ति तक हम इसका स्वास्थ्य लाभ देने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफल होंगे। हमारे ज़िले में अभी एक 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है, संभवतः लगभग अभी 10-15 दिन में उस पर काम लगने वाला है। उसमें सभी विधाओं का, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योगा, सिद्धा, सभी विधाओं से उसमें जो है वासी भी स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।